जाएंगे हम, और आपकी तो जॉब भी नहीं है। जैकपॉट मेरी जान, और अगर ये काम हो गया ना ते पंजो उंगलियां क्योच ते सिर कड़ाई च, मजा ही मजा। लगता है कोई अमीरिया दी फसा लिया तूने। शादी करो अभी तो हम मिले हैं, कैसे सोचा कि तुम मुझे रिंग दिखाओगे और मैं इस रिंग को ले लूंगी। फ्रेंड अपना फोन यहाँ भूल गई। अच्छा आप गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छी। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, उसे मैं काबू करके ही रहूंगी। वाह बेटा वाह, वैसे कितने खड़ूस लगते थे देखने में साहब। ये मर्द ना बड़ा ही नदीदा होता है। लड़की की बस कुछ अदाएं दिखाने की देर होती है, राल टपकाता दुम हिलाता पीछे आ जाता। उस बच्ची का क्या करूं? उस बच्ची में तो जान है उसकी। सोच रही हूँ बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। वरना पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। उसकी सौतेली माँ से बच के रहना आफत की परकाला है। मैं भी कोई कम नहीं बाबा, अगर उसने ज्यादा तंग किया ना चोटी पकड़ के बाहर निकालूंगी। क्या हुआ? धोखा। इतना कितना प्यारा है ना? इधर दिखाओ। नहीं, मेरे फ्रेंड ने दिया है। देखो, इसमें कीड़े हैं जो खून चूस जाते हैं। मेरा फोन कहाँ रख दिया? बाबा, बाबा आपने मेरा फोन देखा? बाबा आपने मेरा फोन देखा? मैं आपसे बात कर रही हूँ बाबा। यही होगा कहीं, ध्यान से देखो जाकर।
तुम्हें यहाँ कब रख दिया मैंने? क्या हुआ? अरे मुझे देखते ही उठ कर नहीं गई आप? न पैरों में जान है और न ही वजूद में हिम्मत। ठीक हूँ मैं, चल रही है अभी तक सांसें। तुम मत भटको मेरे पास, मर जाऊंगी तो दफना के आ जाना। सोचा था अपने भाई के कंधों पर अपनी आरामगाह का आखिरी सफर तय करूंगी, शायद किस्मत में ही नहीं रिश्ता तो तोड़ गया मुझसे मेरा भाई, अब इस शहर से भी नाता तोड़ कर जा रहा मेरा भाई, मेरा मान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अकेली रह गई मैं इस दुनिया। हट जाओ मेरे पास से तुम। दुख बांटने के लायक होते ना तो मेरे भाई को इतना बड़ा दुख ना देते। कौन? सलाम अलैकुम। तुम यहां क्यों आई? आपको अलविदा कहने। तुम्हें किसने बताया कि हम जा रहे हैं? मैंने बताया था बाबा। माफ कर दे, अपनी बहन को माफ कर दे, खत्म कर दे ये सजा मेरे भाई साहब।
माफ किया। भाई होने के नाते जो फर्ज था मुझ पे, वो कर्ज उतार दिया तुम्हारा ताकि तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाए। माफ कर दिया, अब इसे आगे की उम्मीद ना रखना मुझसे। माफ किया है लेकिन टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ा नहीं है। मुझे माफ कर, कभी ये लफ्ज कानों में रस खोलता था, दिल में उतरता था तो सुकून मिलता था, लगता था कुदरत ने बैठे बैठाए बेटे से नवाज दिया है। अब सुनाए तो दिल पे लगे जख्म हरे हो गए। मेरी बेटी की खुशियों को कत्ल किया है और मैं ये खून रहती सांसों तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जाओ चले जाओ यार, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ जाओ अपनी अपनी औलाद को ले जाओ यहां से। की पछतावे तुमने खुद अपनी किस्मत में रखे। आखिरी सांस तक अब इसे बर्दाश्त कर। सुखी सवाल में कटे कई साल में मर जावा मैं तेरे सदके। आ गया मेरा बच्चा, कैसे? तो
तो माशाल्लाह तुम्हारी लाइफ सेटल है। मारिया और ज़िमल आपस में बहुत अटैच्ड हो गई हैं और तुम्हें भी पसंद है बहुत मारिया तुम्हें। ऐसा ना करें कि हम बकायदा प्रपोजल ले जाएं। हालांकि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे एक बात कर रही थी कि नहीं नहीं बताएं आपके दिल में जो बात है बोलें। नहीं बात कोई नहीं है, वैसे मैं पता नहीं क्या बात है, मुझे लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगती। क्यों? ऐसा नजर नहीं है लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़मील से उसका इतना प्यार करना और ये सब कुछ फेक फेक सा लगता है मुझे। इतनी अटैचमेंट मतलब दिखावा सा लगता है, प्यार नहीं लगता। और खुद भी देखो तुम, उसने कितनी जल्दी ऑफिस से घर का सफर तय कर लिया। और तुम पे भी हैरान हूँ मैं, तुमने ऐसे ही एक राजा थी लड़की से एकदम से मतलब ट्रस्ट कैसे कर लिया। आई डोंट नो कि क्या है लेकिन मतलब मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। ख्याल बिल्कुल ठीक है, जो बात आप समझ गई मुझे समझने में देर होगी। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या हुआ है मुझे बताओ। वो अम्मा, वो मारियम, बताओ ना मुझे, मुझे खुल के सारी बात बताओ। हेलो हेलो, ये क्या भाई अभी तो तुम आई हो, फिर तैयारी पकड़ ली, अब कहाँ जा रही हो? सैलून से आई हूँ मॉम, फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अभी ये कौन से फ्रेंड्स हैं जिनको रोज रोज मिलना जरूरी है? टिपिकल मॉम की तरह क्यों मुझसे सवाल कर रही है, कुछ कहना है आपको? कहना नहीं है, बहुत बड़ी खबर देनी है आपको जनाब। क्या? मारिया नामी कांटा शान की जिंदगी से निकल गया। रियली? जी, दैट्स अ गुड न्यूज। ये कैसे हुआ? पता नहीं कोई अल्लाह की करनी हुई है, खुद ही भांडा फूक गया। बट आप इतनी खुश ना हो, एक मारिया गई है तो हजारों की लाइन लगी होगी, अमीर बंदे को कोई छोड़ता है? हाँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं उससे पहले पहले कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँ। क्या करेंगी भाई, शादी कराऊंगी अपनी पसंद की लड़की से। ढूंढ भी लें कोई। बट मॉम, इज़न्ट इट ह्यूमन नेचर, जो भी औरत आएगी वो शोहर को तो कंट्रोल करना चाहेगी, और भाई को कंट्रोल करने का मतलब है कि भाई के बिजनेस, पैसे, जायदाद सबको कंट्रोल करेगी। और अगर उसने भाई को कंट्रोल कर लिया तो यकीनन वो हमें भी कंट्रोल करेगी। आई नो, लेकिन जो कुछ मारिया उसके साथ करके गई है ना, अब वो किसी लड़की की तरफ जाने से पहले 100 बार सोचेगा। बस सारा भरोसा मुझ पर ही होगा और मैं इस बात को यूज करके अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी और खुद कंट्रोल करूंगी उसे। चलें, आई होप सो आपको मिल जाए कोई आपके मुताबिक गूंगी, बहरी, ऑलमोस्ट रिटार्डेड। अदरवाइज हमारे सर्कल में तो जितनी भी ख्वातीन है सबकी सब दहशतगर्द, कनिंग, चलाक और खौफनाक सी औरतें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट मॉम। अब देखो ना डार्लिंग, ढूंढनी तो पड़ेगी ना, क्या करूं, शान के सिवा मेरा और सहारा भी तो कोई नहीं। बस वहां जाना और अच्छी सी जॉब लेना। ओके, ये भी कोई कहने की बात? अब तो बहुत कुछ कर रही,
दुनिया की आंखों में आंखें डाल के। सिर्फ देखना नहीं है, अपना हक भी लेना है। She like this design? Very nice. तुम्हारा जब दिल चाहे मिलने आता। हाँ बड़ा आसान है ना अपने ससुराल को छोड़ के आना, वो भी दूसरे शहर में। मेरी बेटी शादी के बाद कितनी समझदार हो गई, घरदारी समझने लग गई है। अम्मी मुझे ना ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाऊं, आप सबकी जरूरत मुझे हमेशा रहेगी। अरे बेटा हम कौन सा दुनिया छोड़ के जा रहे हैं? पापा कैसी बातें कर रहे हैं सफर पे जाने से पहले, समझाए ना। अच्छा बेटा नहीं करता ऐसी बातें, लेकिन तुम भी तो देखो ना ये क्या मुंह बसोड़ के हमें तुम रुखसत कर रही हो। मुंह ठीक करो अपना और हमें ऐसे ही रुखसत करो जैसा हमने तुम्हें हंसी खुशी रुखसत किया था। बेटा रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में मुझे रिस्क रोजी मिला है, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, बल्कि तुम सब शुक्र अदा किया करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला सब बेहतर करे। बाबा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आपको नए शहर में जॉब मिली है, लेकिन आप लोगों से अलग होने का ख्याल जाहिर है अफसरदा तो करेगा, कैसे खुशी खुशी रुख सक करूँ आप लोगों को। अच्छा बस 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 रो ना पड़ना आप, सर आप बेफिक्र होके जाएं, कोई भी मसला हो आप मुझे कॉल करें, हम पहुंच जाएंगे और वैसे भी हम चक्कर तो लगाते रहेंगे। तुमने मुझे बेटे की कमी नहीं महसूस होने दी। सर इंशाल्लाह आगे भी नहीं हो गया। मुझे मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, और इसी भरोसे के तहत मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। सर आप बेफिक्र हो जाएं, इसका ख्याल तो मैं खुद से बढ़ के रखूंगा, और इससे भी कहीं थोड़ा मेरा भी ख्याल रखें, बचपन की तरह सिर्फ स्केल नहीं उठाती है बाकी डांट फटक एकदम मॉनिटर वाली कर देती है मेरी। मायला बेगम ये ससुराल जो है ना ये कोई अब्बा जी का ट्यूशन सेंटर नहीं है बेटा, यहाँ पे अपने नंबर भी ना दूसरों को देने पड़ते हैं। जी क्या हो गया आपको, तो मजाक कर रहे हैं, आप अपना फलसफा लेके बैठे। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे सर का फलसफा सुना नहीं था। अरे बेटा आप तो हम खुद फलसफा हो गए। नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत मिस करूंगी तुमको, बस वहां जाना और अच्छी सी जॉब लेना। ओके ये भी कोई कहने की बात, अब तो बहुत कुछ कर दिया, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के। सिर्फ देखना नहीं है, अपना हक भी लेना है। अपना ख्याल रखना, मैं फोन रोज करूंगी। मुझे वहां जाके भूल मत जाइएगा आप लोग। नहीं करो ना ऐसे। कैसी बातें कर दी है बेटा, तुझे भूलेगा अब? तुम भी दुआ करना बेटा, अल्लाह हमारे लिए भी आसानियां करेगा, पर अपना ख्याल रखना है तुम। शाबाश जीती रहो। आए सर। बेटा लेकिन ये सामान। सर सामान पहुंच जाएगा, गाड़ी आ रही है रास्ते में, वो पेट्रोलिंग पे कहीं लेट हो गई थी तो वो स्टेशन पहुंच जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए।
एक बात पूछना चाहता हूँ। जितने गौर से तुम वहां पर एक पेंटिंग को देख रही थी, उतने गौर से तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुम एक पेंटिंग से जेलस हो रहा? जेलसी नहीं, लेकिन नेचुरली जब तुम साथ होती है तो मेरा जी ये चाहता है कि तुम्हारी सारी अटेंशन मेरे पर हो। ऑब्वियसली जब अटेंशन की और जाएगी तो फील तो होगा ना, क्या ख्याल? You know, इतना old school प्यार नहीं होता मेरे से। मुझे तो लगता है ये बहुत ही क्यूट और सच्चा प्यार, सच्चे प्यार की निशानी। नहीं? वो abstract painting देखी थी? It was so beautiful, no? आर्ट अच्छा लगता है मुझे, उसको सराहता हूँ, लेकिन जब कुदरत का इतना हसीन शाहकार मेरे सामने हो तो मेरी नजर कहीं और कैसे जाएगी? मैं वहां ध्यान भी कैसे दे सकता हूँ, कुदरत को सराह सकता हूँ कि इतना कमाल शाकार ले आंखों के सामने। वो एक्चुअली भाई को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और घर में ढेर सारी पेंटिंग्स की कलेक्शन है, सो दैट्स व्हाई मुझे पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पता। और तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी? इट डिपेंड, कुड बी एनीथिंग। You know, एक बात है, जब भी मुझे कोई भी चीज पसंद आती है ना, बस कहने की देर होती है, भाई ले आते हैं। भाई यार, lucky you, बड़ा बंदा तुम्हारा भाई। तुम भी तो छोटे नहीं। ये बताओ, शायरी में दिलचस्पी है? शायरी में हाँ थोड़ा बहुत। चेहरे पे मेरी जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पर सो जाओ किसी दिन। आर्ट की कदरदान सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई नहीं, ये नाचीज भी है। फिर तो इस नाचीज के घर आना पड़ेगा। हाँ, एनी टाइम, तुम्हारा अपना ही तो घर है, जब मर्जी आओ, मोस्ट वेलकम। ओके, तो जल्दी प्लान करते हैं, आई वुड लव टू विजिट। ओ एकदम असली है यार, नखरे तेरे। सोचिए यार, मैंने बस मैं घर बदल रहा हूँ, शानदार सा क्लासी अमेजिंग सी कोई फुल यो मम्मी डैडी किस्म का एक घर। बस तू तो कह रहा था नकली है, तनु तो चढ़ गई है। ओ यार मैं सीरियस गल कर रहे हैं, मुझे चाहिए पूल शूल वाला आला किस्म का घर, जरा इम्प्रेस करना है बच्ची को, फुल पेंटिंग्स हैं, जबरदस्त कारपेट, आला किस्म का घर, और जरा अपनी लैंग्वेज भी चेंज करें, यो किस्म की हेयर एंड देयर वाली अंग्रेजी टाइप, बर्गर मम्मी डैडी, समझ गया ना? वही थर्स्टी ग्रोथ ग्रीडी डॉग सुना दी फिर उन्हें। वो तो सुना दूंगा यार, इंप्रेस करना है बच्ची को। तो अच्छा वाला शानदार कमरा तो है। और लाना तो चंगा यार, प्रॉपर घर की बात कर रहा हूँ यार, तूने देखे नहीं कभी? प्रॉपर हाउस चाहिए, फैक्ट्री ओनर्स के नहीं होते जैसे, फुल पैसे हैं तेरे पास? तू है ना मेरा यार, तेरे अकाउंट में है पैसे, दे दे, बस 2 महीने के लिए चाहिए, वापस कर दूंगा। ओए मेरे पास कोई पैसे पूसे नहीं है, हराम के नहीं है मेरे पास जो तुझे दे दूं। देख यार ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, तुझे खुश कर दूंगा। बात सुन, मैं समझाता हूँ, 2 महीने के लिए घर लेना है किराए पे, बच्ची को इम्प्रेस करना है, और अगर काम बन गया तो समझ वारे नहीं आ रहे। सुन, इतने पैसे लगाएगा ना, तुझे डबल वापस करूंगा।
चल ट्रिपल ट्रिपल पैसे, तेरी कसम सारे पैसे दूंगा तुझे, यूं हाथों हाथ कसम खा रहा हूँ यार। चल तू भाई, अब तुझे तो इनकार नहीं कर सकता ना मैं। ये है ना शहजादा मेरा, पेंटिंग चाहिए बड़ी बड़ी मुझे हैं, और घर तो ऐसा मैंने लेना है कि बस देखते रह जाएंगे सब, पूल शूल ये वो। असलम पोस्टर वाले के पास चलते हैं, पेंटिंग का तो शानदार जुगाड़ कर देगा। चल ठीक है, वो प्रॉपर डीलर को फोन करता हूँ। काशिफ बटू ना कर दें ठग नू। वो तो नस गया, मुदस्सर नू कर रहे हैं। हेलो भाईजान, मैं आपके नीचे घर से आई हूँ। अच्छा अच्छा, वालेकुम। आओ आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। जी आज का दिन तो सफाइयों में गुजर जाएगा, इसलिए अम्मी ने खाना भिजवाया था। बड़ी मेहरबानी बेटा, बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? आओ आओ बैठो। जी बैठो बैठो। क्या नाम है आपका? जी निमरा। निमरा, ये तो क्लब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे ये तो कुछ नहीं है जी, आप लोग कराची से हैं जी? हाँ बेटा, बस यहाँ का दाना पानी लिखा हुआ था, इस उम्र में अपना शहर छोड़ना पड़ा। खैर जो किस्मत मंजूर। हाय दुखी ना हो जी, हमारे यहाँ के लोग ना बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं जी, आप लोगों को ना अपने रिश्तेदारों की कमी महसूस नहीं होने देंगे जी, और देखिएगा चंद दिनों में ना आप अपना शहर भूल के ना लाहौरी हो जाएंगे। ऐसे नहीं कहते जी, लाहौर लाहौर है। अच्छा आप क्या करती हैं जी? मैं ड्रेस डिजाइनर। हाय सच्ची? हाय मैं मर गई, हमारी तो एक ही फील्ड है जी, मैं बुटीक में काम करती हूँ, और वहां तो बड़ी जॉब भी आई है जी, आप काम करेंगी? चलो सोच लो आराम से, जब सोच लो ना तो नीचे आके दरवाजा खटका देना बस। हमारी जो बॉस है ना वो बड़ी मालदार खातून है जी, कभी कभी आती है जी, बस तभी शामत आती है, बाकी दिन तो जी मौजे ही मौजे। यू आर स्वीट। मैं देखती हूँ बर्तन लेकर आती हूँ, सब चाय पी के जाना ना निब्रा, राइट? मैं लेकर आती हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। हाँ सब ठीक है, तुम हमारी फिक्र नहीं करो बेटा, तुम अपने शौहर का और अपने ससुराल का ख्याल करो। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जीती रहो, अल्लाह खुश रखे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बिल्कुल बच्ची है मायला भी। ये ले पानी। अच्छा मुझे बताएं मैं खाना लगाऊं? अरे तुम तो मेरे साथ घर के कामों में लगी हुई थी, खाना कब बनाया तुमने? मैंने नहीं बनाया, साथ वाले पड़ोसी ने भिजवाया है। पड़ोस वालों ने भिजवाया है? अच्छा जी, अल्लाह खुश रखे उनको। अच्छा सुने, वो उनकी बेटी माया को बता रही थी किसी बुटीक में जॉब करती है, और वहां पर एक जॉब है। शहनाज हम अभी नए नए आए हैं इस शहर में, एकदम से हम किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ यही बात तो मुझे भी खटक रही थी, लेकिन वो बच्ची देखने में तो बहुत सुलझी हुई खानदानी लग रही है, मैं तो कहती हूँ आप उसके साथ जाकर ना वो जगह देख लें, माहौल देख लें, हमारे लिए भी नया शहर है, और हमारे पास कोई इतनी जमा पूंजी तो है नहीं है। अच्छा है माया का भी दिल लग जाएगा, और बुरे वक्त का सहारा भी हो जाएगा थोड़ा सा।
चलो देखते हैं, देखते लगाओ फिर खाना लगाओ। मैम तुम्हें अंदर बुला रही हूँ और सुनो कॉन्फिडेंस से जवाब देना। यस मे आई कम इन? आइए। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। माया कराची भी छोड़ा आपने? बाबा को जॉब मिल गई ना यहाँ? इन डिग्री से ज्यादा मैं आपके माइंड को जज करना चाहती हूँ। एंगेजमेंट का ड्रेस डिजाइन कीजिए। मैम अभी? जी अभी। मैं देखना चाहती हूँ कि बगैर गूगल के, बगैर कॉपी पेस्ट के आपके माइंड में क्या डिजाइन चलता है। टेक योर टाइम। ब्राइडल, आई मीन ब्राइड का, उसकी फैमिली का या फिर किसी गेस्ट का? ब्राइड का। क्यों, क्या हुआ? No, I'm fine. I'll make it. तुम वहाँ बैठ जाओ। I'm just coming. हाँ जी, क्या हुआ? Do you like this design? Very nice. Congratulations. Thank you so much. Beautiful. बहुत अच्छा।